तो आज जो पाइनएप्पल केक बन रहा है ना, इसे हमें बनाना है पूरा का पूरा सफ़ेद, एकदम वाइट, और साथ में गोल्डन वाला इफेक्ट देना है, एकदम बढ़िया वाला। और ये केक मैंने बना दिया था सुबह सुबह की लाइव क्लास में, ठीक है, और शाम को मुझे देना था ये 5 बजे। और जिस फ़ोन से हम क्लासेस लेते हैं, मतलब जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना, तो ऑफलाइन वाले तो बच्चे घर पर आ जाते हैं, और जो ऑनलाइन क्लास होता है वो होता है फ़ोन पर ही। वो फ़ोन लगा हुआ था क्लास में, हमारी क्लास चल रही थी, कस्टमर आके घर के पास फ़ोन कर करके, और मैं उठा नहीं सकती क्योंकि हमारा कट जाता। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे एक केक देना भी है। कस्टमर आके घर से चले भी गए, फिर पता नहीं कहाँ से उनको सर का नंबर मिल गया, पर उन्होंने सर को जब फ़ोन किया ना, तब पता चला कि भैया हमें तो देना था ऑर्डर। और यहाँ पर जब बना रही थी तो एक्स्ट्रा गिर गया था हमारा पाइनएप्पल क्रश। तो हमने क्या किया, सारा हटा दिया जितना एक्स्ट्रा था, क्योंकि अगर कभी भी बाय चांस अगर क्रश इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया आपने तो क्या होगा ना, बीच से केक फिसलने का चांस रहेगा, क्योंकि बहुत थोड़ा लिक्विड ही होता है क्रश। अगर फिलिंग है तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्रश यूज़ करेंगे तो भाई संभाल के, ठीक। मैंने स्पंज को अच्छे से सोक कर दिया, सबको, जितने भी 6 लेयर की हमारी स्पंज बनी थी, सबको पाइनएप्पल वाले सिरप से अच्छे से सोक कर रही हूँ। क्रीम में हमने पाइनएप्पल इमल्शन डाला है बढ़िया से, उसे भी कर रहा हूँ। और क्रीम जो केक है वो तो हमें वाइट चाहिए, मैंने बता ही दिया। और कस्टमर ने इतना गुस्सा हो रहा था कि कसम से, मतलब ऐसा पूरा, मतलब मेरा तो लग रहा था कि पसीने छूट रहे हैं टेंशन के मारे। फिर सर उनको आधे रास्ते देने गए, मतलब घर से आके बेचारे चले गए, तो वापस थोड़ी वो आने वाले हैं। तो फिर गुस्सा तो हो रहा था बहुत ज़्यादा कि हमारे 7 बजे का इवेंट है आपका ये। फिर मैंने सॉरी बोला कि सच में मुझे कुछ मतलब क्लास था इसलिए इतना वो नहीं कर पाए। पर फाइनली टाइम से एकदम उनके पहुंचा दिया गया जहाँ पर उनका इवेंट था, और हो गया केक हमारा सक्सेसफुली डन और एकदम बढ़िया से। ये देखिए हमने क्या किया ना, हर लेयर में मैंने अच्छे से सोकिंग की है, हर लेयर में अच्छे से मैंने क्रश डाला है। और ये केक मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस में उनको दिया था। अभी मैं बताऊंगी इसका प्राइस भी, क्योंकि आप लोग बोलते दीदी प्राइस नहीं बताते हो आप कभी भी केक का। बताती हूँ तो हमेशा ही बताती हूँ, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि बताऊँगी, और फिर लास्ट में आते आते बात करते करते फिर भूल जाती हूँ। तो ये हमने 1 2 3 4 5 5 लेयर लगा दी, एक लेयर और अभी हमारी बाकी है, तो मैं अच्छे से कर रही हूँ सोख। और ये एकदम बढ़िया से सेट हो गया था, केक मैंने टाइम से पहले रेडी कर दिया था। पर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि मतलब केक ऑर्डर ले लिया और याद नहीं? मुझे याद रहता है, लेकिन क्लास के टाइम पे ना 7 दिन सच में इतना बिजी जाता है, पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह कभी हुआ शाम कब हुआ, क्योंकि 1 बजे तक सारा काम निपटा के घर का, और वापस 1 से 5 बजे तक हमारी क्लास, 5 नहीं एक्चुअली 6 बज जाती, कभी कभी 6:30 बज जाते, क्योंकि बच्चे करते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे वाइसिंग कर रहे हैं, स्पॉन्ज बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 5 लेयर लगा दी, 6वीं लेयर। अगर आप लोग भी मुंबई कल्याण में हो, आसपास हो, या गोरखपुर से देख रहे हो, गोरखपुर में भी उन्हें फुल्ली हैंड्स ऑन क्लास चाहिए, तो फटाफट से जो नंबर है ना 9029483719 पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके सीट कंफर्म कर सकते हैं। और गोरखपुर की क्लास हमारी अगस्त में होने वाली है, और मुंबई की न्यू बैच हमारी 27 जुलाई से होने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से हमने क्या किया, पहले पूरा लेयर लगा लिया, अब कर रहे हैं क्रमकूट। और मैंने इसको बिल्कुल ही फ्रिज में नहीं रखा है सेट होने के लिए, डायरेक्ट बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी क्रमकोट करके फ्रिज में रखना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्रमकोट करके आप फ्रिज में रखेंगे। अगर टाइम नहीं है, कस्टमर को 1-1.5 घंटे के अंदर चाहिए, तो कहाँ हम क्रमकोट करते हैं, कोई भी नहीं करता है, फटाफट से बना के दे देते हैं। तो अभी क्या करना, जितना एक्स्ट्रा क्रीम है वो सारा क्रीम मैं निकाल रही हूँ स्क्रैपर से, स्क्रैप करके, और जो फिलिंग है अंदर जो खाली जगह था वो अच्छे से मैंने फिल कर दिया। तो ये आपका हो गया क्रमकोट, यहाँ तक को हम कहते हैं क्रमकोट, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आएंगे आइसिंग की तरफ, क्योंकि हमें पूरा फुल्ली वाइट चाहिए। इसलिए पाइनएप्पल केक ना मैं बार बार ऐसे दिखाती रही, क्योंकि फिर पूरी आइसिंग करके अंदर की फिलिंग सोकिंग करके फिर टाइम लग जाता है। लेकिन फिर सोचती हूँ जो बिल्कुल नए आज हमारी चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमें सोकिंग कैसे कर रही है, कितनी क्रीम डालनी है, पता नहीं चलेगा। ये हमने कर दिया। अब मैंने क्या किया, क्रीम पूरा लगा दिया, ठीक। अब उसको लेंगे हम स्क्रैपर, और स्क्रैपर वाला आप कोई सा भी ले लेना, ठीक है। अभी फिलहाल जब नहीं मिलता है तो मैं लाल पीला गुलाबी लेती हूँ, और नहीं तो मैं पूरा का पूरा, मेरे पास वाइट है, मैं वाइट वाला ही लेती हूँ, बहुत बढ़िया होता है उसे स्क्रैप। इसमें नीचे एक होता है होल, और बार बार उस होल से ना दिख रहा है ऊपर क्रीम निकलती है। देखो मैंने ढूंढ ही निकाला अपना वाइट वाला स्क्रैपर, जो मेरा एकदम फेवरेट है, वो लिया। अब करेंगे हम फाइनल। तो अब मैं टेबल को हटा देती हूँ, क्योंकि बैठ के होगा नहीं, मुझे खड़े होके करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब ऊपर की लेयर को हमें करना है क्या, क्लीन। तो हमने ले लिया गीला वाला तौलिया, जो हर बार मैं बोलती हूँ कि साथ में गीला तौलिया ज़रूर रखिएगा अगर आप अपने केक को, अपने क्रीम को एकदम चाहते एकदम सुंदर स्टेबल। और पानी वाला लफड़ा बिल्कुल भी मत पालिएगा कि अगर कोई कहे कि हाँ आपको स्प्रे लेना है, स्प्रे से पानी को स्प्रे करना है केक के ऊपर, पूरी पूरी क्रीम ख़राब हो जाएगी। बस वो एक बार स्मूथ होती है, दोबारा आपकी क्रीम वैसी स्मूथ नहीं होगी।
तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। वैसे कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी, पर मेरी राय माने तो मत करिएगा। आप नॉर्मल सिंपल तौलिया एक रखिए, उसी से बार बार आपकी नाइफ़ को क्लीन करिए, क्योंकि पानी ऑलरेडी उस तौलिया में रहेगा, तो एकदम नाइफ हर बार क्लीन होगा, आपका केक भी क्लीन होगा। तो ऐसे हमने कर दिया, और सेम ऐसी डिज़ाइन कस्टमर ने भेजी थी। अब ले लिया गोल्डन, क्योंकि मैंने बोला था उनको वाइट और गोल्डन का टच चाहिए और सुंदर। और फिर एकदम बढ़िया सा प्यारा सा मैंने एक लगा दिया था हैप्पी बर्थडे का टैग, जैसा उनका फोटो था वैसा ही। और मेरे पास ना वाइट कलर की फ़र थी, जैसे फ़ोन में आप देख रहे हैं ना वाइट वाली फ़र, वो मेरे पास थी, लेकिन एंड टाइम पे मुझे मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने उससे भी महंगा वाला ये प्लास्टिक का फ़र आता है, मैंने वो लगाया। प्राइस बताती हूँ कि मैंने कितना लिया, लिया था 950 के आसपास। हाँ, क्योंकि 600 रुपये का हमारा केक हो गया था और बाकी 300 रुपये की डेकोरेशन, ऐसा कुछ सोच के 950 के आसपास मैंने इस केक को लिया था। 1 kg केक है हमारा, पाइन एप्पल फ्लेवर। अगर आपको भी ऐसा कुछ चाहिए, आप मुंबई कल्याण में हो, ऑर्डर करना हो, तो 9029483719 पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपना केक ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। और पूरी अच्छे से डेकोरेशन करके दूंगी, सब कुछ। हाँ, बट टाइम से दे दूंगी, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और इस बार सच में गड़बड़ हो गई थी। और वो पंख गिरा था, मैंने पंख एक्चुअली उल्टा लगाया था। अभी मैं दिखाती हूँ कि पंख लगाना कैसे है। तब क्योंकि लाइव में बना रही थी, कुछ बच्चे बताए कि दीदी आपने ना जो उसके फैरी के पंख है ना, वो आपने थोड़ा अलग लगा दिया, फिर से उसको नहीं, इधर वाली पंख उधर, उधर वाली पंख मैंने इधर लगा दी थी। अभी मैं ठीक करूँगी तो दिखाऊँगी, ठीक है। ये हो गया, वो देखो, ठीक है। अभी कौन बता रहा, हाँ मेरी बेटी ही बता रही है शायद, कोई है। हाँ, अभी मैंने उसको कर दिया एकदम से सही देखे, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ढेर सारी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो ये हो गया आपका केक रेडी। अब मुझे लेना है वाइट वाला, ये जो हमारा है ना वो मोती स्प्रिंकल, वो लगा दिया नीचे भी, थोड़ा इधर उधर भी छिड़क दूंगी। वैसा ही बना था, सेम वैसा ही बना था, जैसा बना था मैं वैसा ही बना रही हूँ। और मोती बड़ी वाली भी लगी थी, गोल्डन वाली, तो हो गई वाइट और गोल्डन कलर की, और बहुत बढ़िया लग रहा है। जो लाल पीला कलर हम लगा देते हैं ना केक में, सच में केक का लुक चेंज हो जाता है। तो ये एकदम बेस्ट लग रहा है, एकदम सिंपल सोवर। अभी देखिए सारा सामान हमारा पसरा पड़ा है, अभी मैं जा रही हूँ समेटूंगी। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मैं जा रही हूँ डब्बे में पैक करने, सो बाय, लव यू, मिलते हैं कल।